नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से एक जारी बयान में ये कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन जो धरना चल रहा है और बहुत दिनों से धरना चल रहा था और अभी भी चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन सोसाइटी की तरफ से कुछ मेंबर 10 मई 2023 को डिफेंस सेक्रेटरी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदस्य जाकर मिले। ओआरओपी के मुद्दे पे इक्वल एमएसपी और सीएचडी में हुए, ईसीएचएस और इसी प्रकार अनेक मुद्दों पर जो जेसीओ जवान से रिलेटेड है उनके मुद्दे के ऊपर बात रखा और बात कही और विचार विमर्श हुआ और उनसे सहमति मिली। दोस्तों, इस प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, इस प्रकार से हर जगह हर क्षेत्र में सोसाइटियां लगी हुई है ओआरओपी में हुए विसंगतियों को लेकर, वो जल्द से जल्द कोई समाधान निकले और इस समाधान हो जाए। इसी सिलसिले में देखते हैं दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो टीम जो गई थी वहाँ पे क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या किस प्रकार क्या शेयर किया है, बात के कुछ अंश शेयर किए हैं, आइए चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे आज दिनांक 10 मई 2023 को डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात हुआ, जिन पे इक्वल एमएसपी, ओआरओपी, डिसेबिलिटी पेंशन, सीएचडी, ईसीएचएस अनेक मुद्दों पर बातचीत की गई और जेएसयू जवानों का पक्ष रखा गया। आइए चल देखते हैं कि आखिर में इसमें कौन सी मुद्दे ऐसे क्या रहे जिन पे बातचीत हुई और क्या इन्होंने बातचीत का अंश जो शेयर किया है। यहीं पे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ और सफलता मिली। आज सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी से मीटिंग 1.5 घंटा चली और मेरे साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। यह मुलाकात 7 मई 2022 और 8 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी और 10 जनवरी को सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी के साथ मीटिंग की अगली कड़ी थी। जिस मुद्दों पर सहमति बनी वो इस प्रकार हैं। पहला मुद्दा क्या है, सिपाही से जेसीओ रैंक के सभी ईसीएचएस कार्ड धारक अब प्राइवेट वार्ड का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर्स और जवानों की राशि में जो अंतर है, जैसे ऑफिसर वन टाइम 1,20,000 देता है, वहीं पे जवान 30,000, ऑफिसर और जवानों की राशि में जो अंतर है उसको पे करना होगा। जैसे कि ऑफिसर वन टाइम 1,20,000 पे करता है और जवान 30,000 पे करता है, तो उसको पे करना होगा, यानी वन टाइम 90,000 देकर जवान और 53,000 देकर जेएसयूज और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और 35,000 देकर सेमी प्राइवेट जवान ले सकते हैं। जो ईसीएचएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और जनरल वार्ड रहते हैं, जिसमें आपको उसके तहत जो ऑफिसर की फैसिलिटी लेना है, अगर आप 90,000 देकर जवान और 53,000 देकर जेएसयूज और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और वहीं पे 35,000 देकर सेमी प्राइवेट जवान ले सकते हैं। यानी मतलब साफ है, यहाँ से मतलब साफ साफ कहा जा रहा है, जो आप 90,000 जो बढ़ाकर अमाउंट देंगे यानी ऑफिसर के बराबर देंगे 1,20,000, यानी मतलब साफ है जिस प्रकार से कंट्रीब्यूशन होता है ईसीएचएस में, जैसे हवलदार तक है या 30,000 रुपये होता है जो जनरल वार्ड के लिए अप्लाई होता है, वहीं पे नायब सूबेदार का 67,000 होता है सेमी प्राइवेट के लिए, वहीं पे ऑफिसर के लिए 1,20,000 होता है जो प्राइवेट के लिए, वहीं पे बचा हुआ अमाउंट जो 1,00,000 आपको 20,000 पेड करना है, 30 में से 30,000 आपने जमा कर दिया है और 90,000 पे करके आप प्राइवेट वार्ड यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप सेमी प्राइवेट ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे और 35,000 देकर आप सेमी प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं, इस फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी अच्छी बात है कि इतना कंट्रीब्यूशन हुआ और इतनी बात मानी गई कि नहीं, पैसे देकर आप प्राइवेट वार्ड में जा सकते हैं, यानी कि अफसर के बराबर आप फैसिलिटी ले सकते हैं और वहीं पे 35,000 देकर आप सेमी प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं। ओआईसी ईएसएच अब डॉक्टर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में पहले ही बताया गया है कि ओआईसी ईएसएच
जो कर्नल साहब जो होते हैं वो उनकी सर्विस मानसिकता होती है और उसी के चलते वो ECHS चलाते हैं और वहाँ पे उसी तरह से भेदभाव बरकरार रखते हैं। जो JCS वार को होने वाली परेशानियाँ उसी प्रकार समान रहती है। इस प्रकार से इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब 20% OIC डॉक्टर, 20% OIC जो होंगे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन मैंने 100% की मांग की है। वहीं पे ECHS में और सुधार और रेफरल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहा गया है और MH में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण ऑफिसर का OPD और JCO जवान का OPD अलग होने और इसमें रेफरल से होने वाली देरी पर सवाल उठाया है। इस प्रकार दोस्तों ये जैसे MH में हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑफिसर के लिए अलग दिन और जवानों के लिए अलग दिन OPD निर्धारित की जाती है ताकि ब्रिटिश काल की जो प्रथाएं हैं वो चलती रहें। लेकिन इस पॉइंट को इन्होंने उठाकर इसको एक करने के लिए कहा है कि आप रेगुलर हर दिन OPD करिए और चाहे दो दिन रखिए लेकिन अफसर और जवान में अंतर न करके इकट्ठा रखिए। इस प्रकार से ये भी पॉइंट लिखा है। इस पर भी सेक्रेटरी साहब ने आश्चर्यचकित किया और आश्चर्य यह सुनकर आश्चर्य उन्हें भी हुआ कि OPD अलग अलग क्यों है। वहीं पे दोस्तों अगले पॉइंट में कहा गया है कि सैनिक बोर्ड में ऑफिसर की आरक्षित रूम अब जवान JCO को भी मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट होगा। वहीं पे दोस्तों अगर अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट JCO NCO और जवान भी होंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो बाउंडेशन है कि नहीं सिर्फ ऑफिसर ही होंगे तो इस बाउंडेशन को हटाया जाए और JCO और NCO को भी जो ग्रेजुएट हैं उन्हें भी सैनिक बोर्ड में सचिव का पद दिया जाए। अगले पॉइंट बताते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अब जवान JCO का प्रतिनिधि बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधि बढ़ेगा। उसी प्रकार अगले पॉइंट में सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापक सिर्फ ऑफिसर को दिया जाए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर को देने पर भी कुछ किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज और कोको पेट्रोल पंप से रिलेटेड ये भी एक समस्या है जो सिर्फ ऑफिसर को दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर भी बात हुई है जिसमें बात बनती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन मुझे महसूस हुआ कि DGR में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं। जवानों के लिए और आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। मैंने उनको अवगत कराया कि कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कोर्ट में भी है और ऑफिसर के अन्याय को स्वीकार किया जाएगा और कोको और सिक्योरिटी एजेंसी में जवानों का हिस्सा देना होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये मेंबर सोसाइटी के मेंबरों की तरफ से इस प्रकार से पॉइंट उठाए गए और उठाए जा रहे हैं और जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज और कोको पेट्रोल पंप में भी जवानों का कुछ परसेंट हिस्सा होना चाहिए। यहाँ की जो जवान 97% है और 3% अफसर हैं उसी के हिसाब से भी इसमें भी हिस्सा होना चाहिए अगर बराबर देने की बात हो तो। वहीं पे अगले पॉइंट के संबंध में उठाते हैं CID के संबंध में विस्तार बात किया। एक ही कार्ड बनेगा जिसमें सभी सुविधाएं जवान ले सकता है। कंपनी ESM को सीधा CID छूट के लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से बात होगी। QMG से बात कराने की भी बात हुई है। हर अगर ESM को अगर वैसी सब्सिडी देनी है तो अगर इसमें छूट देना है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में छूट दी जाए। इस प्रकार की अगर बात बन जाती है, इस प्रकार का नियम अगर बन जाता है तो ये भी बहुत बेटर है। यहीं पे आगे चल के 7 नंबर में बात करते हैं कि मैंने AFT में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्ति करने की बात उठाई। उनका कहना था कि FD MOD के अंदर है लेकिन वो विभाग अलग है। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि कुछ और बातों पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री जी से अप्रूवल के बाद सभी पर पत्र जारी होगा, क्योंकि ये सब बातें दोस्तों बनी और क्या बात सहमति बनी क्या नहीं बनी, लेकिन रक्षा मंत्री जी से अप्रूवल होने के बाद ही आगे PMO को और सेक्रेटरी डिफेंस PMO को लेटर जारी होगा ताकि इस पर विचार विमर्श किया जाए। वहीं पर डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भी सेक्रेटरी साहब से कहा गया जो अधिकारी ले रहे हैं वो तो लेते रहेंगे लेकिन आगे से इस पर लगाम लगाने की बात कही गई है। वहीं पे 10 नंबर पॉइंट में बताते हैं कि ORUP से भी संगतियों के संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा किया लेकिन सेक्रेटरी ने कहा
कि सरकार के पास पैसे की कमी है और धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है। इस पर अशोक ठाकुर ने कहा कि फाइनेंस के मैटर में कुछ तो जल्दी करना होगा और इसके लिए वे रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और जरूरत हुई तो पीएमओ से भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों वारूपी की विसंगतियों को लेकर भी बात किया गया, लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी साहब ने सरकार के पास पैसों की कमी गिनती करा दी, लेकिन रूल के अनुसार जो विसंगतियाँ हुई है उन पे बात करनी है। हमें पैसे की कमी विसंगतियाँ हो रखी हैं, जो कम ज़्यादा हो रखा है उसके ऊपर बात करनी है और इस पर सरकार पीछे हटती हुई नज़र आ रही। सरकार पैसे की कमी का हवाला देकर कहा, लेकिन वहीं पे अशोक ठाकुर जी ने कहा कि ये फाइनेंशियल मैटर है, कुछ तो जल्दी करना होगा, इसके लिए वो रक्षा मंत्री से बात करेंगे और ज़रूरत हुई तो पीएमओ से भी, अगर रक्षा मंत्री कहेंगे तो उनसे भी बात होगी। आज ही संगठन के हिमाचल के अध्यक्ष जेपी पाटिल साहब ने एक मंत्री से मुलाकात किया और मंत्री जी ने कहा कि कोई एक पॉइंट जो मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊं, वो पॉइंट दे दिया गया है। यानी कि एक मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं और वारोपी से रिलेटेड इन लोगों से कोई पॉइंट पूछे, मंत्री जी को वो पॉइंट बता दिया है और वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। देखना है आने वाले समय में आगे क्या होता है। और बातें तो हर संगठन कर रहा है और हर संगठन अप्रोच कर रहा है और कोशिशें जारी हैं। वहीं पे 11 पॉइंट में लिखते हैं कि मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात किया और कहा कि एमसीओ जैसे संस्था जो कि जेसीओज एनसीओज आराम से संभाल सकते हैं, वहां सैकड़ों कर्नल बैठा रखा है, उसी तरह कई अपॉइंटमेंट हैं जिन्हें जेसीओज एनसीओज चला सकते हैं। श्री राम सिंह ने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से अफसर लापरवाह हो गए हैं और इनकी क्षमता और कार्यकुशलता प्रभावित हुई है, इनको ख़त्म किया जाए। सवेरिया पहले ब्रिगेडियर चलाते थे, अब मेजर जनरल। सवेरिया बंद हो गया, अब पीस स्टेशन में कई ऑफिसर्स मेस चलाने पर सवाल खड़ा किया है। ऑफिसर के री एम्प्लॉय पर भी रोक लगे जहां उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय सरकार की पैसे की बर्बादी की। सेवादारी प्रथा से भी हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इस पर रोक लगे और सरकार बजट को रोक हमारी मांग पूरी कर सकती है। मिलिट्री रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और इस संबंध में सीडीएस से मुलाकात करना चाहिए और रांची के पूर्व सैनिकों ने मुझे जो समस्या बताई उससे मैं सेक्रेटरी को अवगत कराया। इस प्रकार दोस्तों लास्ट में बताते हैं कि पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। सभी से निवेदन है कि माननीय पीएम को भेजे जा रहे पोस्ट गार्ड अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। तो दोस्तों ये रहा बातचीत का कुछ अंश, बातचीत का जो अंश जो इन्होंने शेयर किया है, जो हर पॉइंट को इन्होंने रखा है और आशा करते हैं कि ये सकारात्मक रिजल्ट निकले और आगे बात बने और बात बढ़ चढ़कर पीएमओ तक पहुंचे और वहां से ये सेंशन हो जाए और जल्द जल्द ओआरओपी में होने वाले नॉर्मलाइज जो हो रही हैं वो उनका निस्तारण किया जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें और एक ग्रुप में रहें और अपना संघ बनाकर मिलकर रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।